नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो खबर बलिया से है, जहाँ जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरदरिया की खबर है, जहां युवती की फांसी के फंदे से लटकते हुए शव मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव की शिनाख्त सपना चौहान पुत्री दयाशंकर चौहान निवासी अतरदरिया थाना सहतवार जनपद बलिया के रूप में की है। पीड़ित पिता ने बताया कि मृतका की गुमशुदगी सूचना आवेदक प्रेमचंद चौहान द्वारा थाना स्थानीय पर अंकित किया गया था, जिसके क्रम में थाना पुलिस द्वारा गुमशुदगी के संबंध में काफ़ी खोजबीन की गई। जांच के क्रम में गुमशुदा युवती का शव गांव के बाहर स्थित बगीचे में दुपट्टे के शीशम के पेड़ पर लटका पाया गया। गाँव के चौकीदार की सूचना पर स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम मजिस्ट्रेट बांसडी CO बारडी और उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों द्वारा उक्त युवती की शव की शिनाख्त की गई। मृतका के माँ व पिता, घर के लोगों द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की सपना चौहान है, जो अपने ससुराल 30 जून से गायब थी, जिसके संबंध में गुमशुदगी की सूचना थाना सतवार पर लिखाई गई थी। नियमानुसार वीडियोग्राफी करते हुए घटनास्थल को पीले टेप से संरक्षित करते हुए महिला आरक्षी के सहयोग में शव को उतारकर पंचनामा की कार्रवाई की गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। नियमानुसार पोस्टमार्टम किट बैग में रखकर सील कर पोस्टमार्टम हाउस सदर मलयम भेजा गया। मृतका के परिजनों द्वारा प्राप्त तारीख के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी बांसडी ने, आप सुनिए। सर्किल बांसडी के अंतर्गत थाना सहतवार क्षेत्र में एक गांव अतरदरिया, जिसमें एक युवती का शव मिला जो पेड़ से लटका हुआ था। मौके पे फोरेंसिक टीम, थाना प्रभारी मौके पहुंच गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सभी पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है। सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिलेंगे और जो भी इसमें दस्तावेज मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जय हिंद।